एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं दूसरे जितने भी चैनल्स मेरे हैं या जहाँ कहीं भी मैं हूँ वो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करें और अगर जहाँ पसंद आए वहाँ मुझे फॉलो और सेव और मेरे वीडियोस को आप मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के फेस पैक की। तो आज का जो फेस पैक है ये बहुत बेहतरीन है, यानी कि इतना बेहतरीन है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितना बेहतरीन फेस पैक है। ये आपकी स्किन की जो रंगत है ना, जो ये सर्दियों के मौसम में जो हमारी स्किन जो एकदम डल हो जाती है, रूखी बेजान, उन सबको ये बहुत ये बेहतरीन बनाने वाला है। और उससे भी बड़ा ये काम करने वाला है कि अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है उसको ये दूर करने वाला है, ग्लो को लाएगा। बेस्ट एंटी एजिंग है इसके अंदर, जो भी इंग्रेडिएंट मैं डाली हूँ वो बेस्ट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। तो वो 100% जो है आपके एजिंग के निशान को भी दूर करेगा, प्लस आपके ग्लो अगर नहीं है उसको दूर करेगा। सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर ये काम करने वाला है, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या है तो उसको ये दूर करने वाला है। हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या, बहुत मुझे मैसेज आते हैं क्या मैम वो सिर्फ फेस पैक से दूर होगा? नहीं, वो सिर्फ फेस पैक से नहीं दूर होगा, 80% फेस पैक से दूर होगा। 20% आपको अपने डाइट को ठीक करना पड़ेगा, आपको वाटर इंटेक लेना पड़ेगा अच्छा सा, और प्लस आपको अपने स्किन के केयर अच्छी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। आप बिना धूप में गए बगैर अगर आप धूप में जाते हो तो सिर्फ सनस्क्रीन ना लगाएं, अगर आप घर के अंदर हो तो भी आप सनस्क्रीन लगाएं। सर्दियों का मौसम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सनस्क्रीन ना लगाएं, सर्दियों के मौसम में भी सनस्क्रीन आप लगाएं। गर्मी के मौसम में जहाँ हर 3 आवर्स पे अप्लाई करते हो, तो सर्दी के मौसम में हर 5 घंटे पे दिन भर में एक बार अप्लाई करते हो तो भी चलेगा, लेकिन सनस्क्रीन के बगैर नहीं रहे। तो बहुत बेहतरीन फेस पैक है ये। आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे हैं, और बहुत बेहतरीन फेस पैक है। तो प्लीज़ 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 ज़रूर एक बार पहले अपने फेस के ऊपर ट्राई कीजिएगा। रिजल्ट अच्छा लगे तो बिना लाइक किए मेरे वीडियो को नहीं जाइएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे एज अ गेस्ट अगर मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय। ले रही हूँ वो है ऑरेंज नारंगी। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको काट लेना है अच्छे से, और इसका आपको जूस ले लेना है, इसका आपको जो रस है ना वो निकालना है। हाँ भाई, सब फेस पैक मेरे अच्छे होते हैं तो क्या करूँ, कैसे खराब बता दूँ मैं कि ये मेरा फेस पैक खराब है, ये फेस पैक मेरा अच्छा है, सारे फेस पैक मेरे अच्छे होते हैं। तो फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगर आप सिर्फ इसको भी अगर अपने स्किन पे लगाते हो ना तो आपकी स्किन मतलब गजब वाली हो जाने वाली, बहुत खूबसूरत हो जाने वाली। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा पाउडर। ओके, अगर आपके पास एलोवेरा पाउडर नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से फ्रेश एलोवेरा जेल इसके अंदर ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसके अंदर मत मिलाना। फ्रेश एलोवेरा जेल आप ले सकते हो, अगर एलोवेरा पाउडर है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अच्छा जो मैं यूज़ कर रही हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं क्या करूँगी, ये तकरीबन 1 स्पून के करीब में एलोवेरा, ये ऑरेंज जूस है, 1 स्पून से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इतना एलोवेरा पाउडर डालूंगी जिससे कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो मैं देखिए कितना, मैं तकरीबन 1/2 स्पून के करीब में इसके अंदर एलोवेरा पाउडर मिला रही हूँ। पेस्ट मतलब अगर किसी शादी पार्टी में अगर आपको जाना है ना, जैसे अभी आपकी शादी होने वाली है, अगर मैं सिंपल बोल रही हूँ, अभी जैन बहुत की शादी जैन में होने वाली है, बहुत की शादी फैब में होने वाली है, तो आपको ये फेस पैक सूट कर जाता है ना, तो आप ये कंटिन्यू करें। एलोवेरा बेस्ट एंटी एजिंग माना गया है, ऑरेंज बेस्ट एंटी एजिंग माना गया, तो जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड है ना वो बेस्ट एंटी एजिंग है। तो ये पैक बन के रेडी हो गया, अब आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।